अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट कैसे सबमिट करा सकते हैं। आप अपनी स्ट्रीम वॉल पे देखेंगे कि जब भी एक असाइनमेंट आएगी तो उसमें ये असाइनमेंट का आइकॉन होगा, और जिस टाइम पे वो असाइनमेंट सबमिट हुई हुई है, अपलोड हुई हुई है, वो टाइम भी आपको नज़र आएगा। अब उसको क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये असाइनमेंट का टाइटल है, ये असाइनमेंट की ड्यू डेट है, और ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके इंस्ट्रक्टर ने आपके साथ शेयर की हुई हैं। तो इस असाइनमेंट में जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दी हैं कि यू डोंट हैव टू डाउनलोड द फाइल, जस्ट नीड टू टाइप इट ऑनलाइन इन द डॉक्यूमेंट फाइल एंड सबमिट। तो ये मैं इस टाइम एक स्टूडेंट अकाउंट के ज़रिए लॉग इन हूँ, और ये स्टूडेंट व्यू है जिसमें मैंने ये रिक्वायरमेंट की है कि आप को ऑनलाइन ही सबमिट करानी है असाइनमेंट। तो राइट हैंड पे देखेंगे तो ये गूगल डॉक, ये हर स्टूडेंट के लिए गूगल ने एक कॉपी क्रिएट कर दी है, इसी में ही असाइनमेंट टाइप इन करनी है और इसी में सबमिट करानी है। तो ऐड और क्रिएट नहीं करना है, ऐड और क्रिएट के ऑप्शन तब यूज़ करनी है कि जब आपको एक ऐसी असाइनमेंट दी जाए जिसको आपने ऑफलाइन टाइप इन करके वर्ड की फाइल या एक्सेल की फाइल या पीडीएफ उसको आपने अटैच करना होगा, तो तब ये आप ऑप्शन यूज़ करेंगे। हैंड इन अभी आपने नहीं करना क्योंकि अभी आपने असाइनमेंट पर काम नहीं किया। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको क्लिक करें, फिर आप देखेंगे कि एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर वो असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए होंगे, तो आप उनको फिल इन करें, और उनको फिल इन करके इफ़ यू आर रेडी, जैसे ये मैं अपने ही यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, तो आप इसको टर्न इन कर दें। ओके, जब आप टर्न इन का बटन प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि यू वॉन्ट टू हैंड इन द फाइल, ऑफकोर्स अगर आप सबमिट करा रहे हैं तो उसको हैंड इन कर दें। अच्छा, आप ये भी देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने असाइनमेंट बाय मिस्टेक सबमिट करा दिया है या आप उसमें कुछ करेक्शंस करना चाहते हैं, आप उस असाइनमेंट को अनसबमिट भी करा सकते हैं अनटिल द ड्यू डेट। तो ये गूगल क्लासरूम में ऑप्शन है कि जब तक ड्यू डेट नहीं आती आप उस असाइनमेंट को अनसबमिट भी कर सकते हैं। तो एक दफ़ा जब यह असाइनमेंट सबमिट हो गई तो अब मैं आपको ये टीचर्स व्यू दिखाता हूँ। तो टीचर्स व्यू में क्या होगा कि एक असाइनमेंट जैसे मेरे पास सबमिट हुई है तो ये असाइनमेंट यहाँ पे आ जाएगी, सबमिटेड नज़र आएगी। मैं इसको क्लिक करके इस असाइनमेंट को ओपन करके अब मैं यहाँ पे ऑनलाइन ही इसको चेक कर सकता हूँ, और इसके ऊपर मैं कमेंट्स भेज सकता हूँ। ये प्राइवेट कमेंट्स होंगे जो सिर्फ स्टूडेंट को नज़र आएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी ग्रेडिंग कर सकता हूँ, और एक ऑप्शन मेरे पास ये भी है कि मैं इसको रिटर्न भी कर दूँ इस सबमिशन को, अगर मैं कहूँ कि डिमांड करूँ स्टूडेंट से कि इसको आप दोबारा से फिल इन कर दें। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कराएंगे।